दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत सारे करंट अपडेट्स में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो भाई ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तो भाई बढ़ते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आ रहे हमारे सुनीत यादव भाई की तरफ से। भाई सुनीत यादव भाई ने काफ़ी टाइम बाद एक छोटा सा करंट फिजिक्स अपडेट हमारे साथ शेयर किया है और उसमें वो काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई जैसे कि आपको पता सुनीत यादव कम अपडेट डालते हैं बट इनकी जो करंट अपडेट्स में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि सुनीत यादव भाई कितना हार्ड वर्कआउट यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही उनकी बाइसेप्स पे आप नज़र डालो तो आपको लगेगा कि काफ़ी फिट परसेंटेज कम इनकी बॉडी पे दिखाई दे रहा है। बॉडी काफ़ी स्ट्रेटर लग रही है और लीन लग रही है। कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि हमारे सुनीत यादव भाई कहीं कम्पीट करने वाले हो, क्योंकि अभी तक ऐसा अपडेट इन्होंने दिया नहीं है, बट बॉडी के हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं। भाई एक आपको क्या लगता है आपकी राय में कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रहे हैं अफरोज खान की तरफ से। भाई अफरोज खान का जैसे कि आपको पता होगा कि वो साहिल खान के ब्रांड डिवाइन न्यूट्रिशन को स्पॉन्सर करते थे, साथ ही उनका जो माई फिटनेस पीनट बटर है उसको भी वो स्पॉन्सर करते थे भाई। बट अफरोज खान की तरफ से एक ऐसा शॉकिंग अपडेट आया है जैसे कि आप उसको देख ही सकते हो कि उन्होंने लिखा है कि वो अब माई फिटनेस और डिवाइन न्यूट्रिशन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो छोड़ दिए और साथ ही उनको उन्होंने बोला है कि कोई रीजन्स था जिसकी वजह से उन्होंने उनका साथ छोड़ा है। और वो लिखते हैं कि वो काफ़ी खुश है और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है और लव और सपोर्ट भी वो उनको बोलते हैं। तो भाई क्या रीजन्स है तो अफरोज खान ही बता सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की जो कि आ रहा हमारे अली बिलाल भाई की तरफ से, जिन्होंने दिल्ली प्रो शो में कम्पीट किया था हाल ही और वो थर्ड पोजीशन वहाँ पे लेके आए थे। तो भाई इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर किए और साथ उन्होंने कैप्शन में डाला कि उन्होंने अगले शो के लिए प्रेप स्टार्ट कर दिए और भाई अपने जो अगला शो है उससे 10 वीक्स आउट है। और दोस्तों आप इनकी करंट कंडीशन देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं और किसी भी शो को खेलने के लिए काफ़ी रेडी लग रहे हैं। और दोस्तों अली बिलाल भाई के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि उनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और वो जल्द ही मुझे लगता है अपना प्रो कार्ड भी ज़रूर जीतेंगे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे जो अली बिलाल है अगले शो में प्रो कार्ड जीत पाएंगे या नहीं, आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही है हमारे जेरेमी भुंडिया की तरफ से। भाई ये 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके और इस साल ये वापस कमबैक कर रहे हैं और ये कम्पीट करने वाले मिस्टर ओलंपिया में। तो भाई इनकी तरफ से भी इनका करंट फिजिक अपडेट हमारे पास आ चुका है और ये अपने शो से 18 वीक्स आउट है। तो भाई इनकी करंट कंडीशन आप देखो तो काफ़ी ह्यूज लग रहे हैं और मसल मास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया है और दोस्तों इनके शोल्डर काफ़ी ब्रॉड लग रहे हैं और इनकी जो वेस्ट है वो भी नेरो दिखाई दे रही है। दोस्तों ये जिस कैटेगरी से खेलते हैं उसके हिसाब से इनका जो अभी का स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये कुछ ना कुछ धमाल दोस्तों वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी भाई इनकी फिजिक आपको कैसे लगी आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। तो भाई बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि आ रही है हमारे तरुण गिल भाई की तरफ से। दोस्तों तरुण गिल ने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने जो भी हमारी इंडियन फेडरेशन है उसमें क्या धंधा चल रहा है उसको लेकर काफ़ी कुछ बातें बोली है। तो एक बार आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉडी बिल्डिंग को ना धंधा बना दिया लोगों ने, धंधा बस। भोले भाले एथलीट्स आएंगे, उनका खून चूसो और उनसे पैसा छापो। क्या यार, मतलब दिस इज़ रिडिकुलस। मैं तो सोचता था कुछ ही फेडरेशन जैसी होती हैं, बट एक और फेडरेशन सुनो वो जो कर रही है। इतने टाइम से मेरा दिल दुखता है यार जब मैं एथलीट्स को देखता हूँ ना, इतना पैसा लगा लगा के वो कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं और उनको बदले में मिल कर रहा है। सुनो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, जो कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब देते हैं आपको। तो भाई साहब ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं कि आपको ना कहते हैं कि आप इंडिया के लिए खेलोगे, फिर ये उसके ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। ट्रायल्स जैसे वो आपको बोलेंगे कि आपको वर्ल्ड के लिए खेलना है, साउथ एशिया के लिए खेलना है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। सो मेरा सवाल IBBF से ये है कि भाई साहब आपने अपनी अफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ कब रिन्यू कराई थी? जहाँ तक मेरी नॉलेज है 2022 एक जनवरी से आपकी सरकार के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। तो ये कहना बंद कर दो कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो। और ये सुन के जब लड़कों को ये बातें पता लगी तो इनके आधे से ज़्यादा एथलीट्स चले गए, बिकॉज उन्हें लगा अगर यार इसमें इंडिया का कोई, आप नेशनल नहीं खेल रहे, ये तो फिर एक प्राइवेट कॉम्पिटिशन ही हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। तो ये लेकिन कई भोले भाले लड़के इसमें फंस जाते हैं, राइट? तो वो ट्रायल देते हैं या तो वो मिस्टर वर्ल्ड के लिए
या साउथ ईस्ट एशिया के लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का साउथ ईस्ट एशिया हुआ था मालदीव्स में, राइट। अब मालदीव्स में इन्होंने जाने के लिए जो लोग सिलेक्ट हुए ट्रायल्स में, इन्होंने लिए उनसे टेंटेटिवली 110,000 रुपये। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मालदीव जाने का खर्चा टिकट विकेट सिर्फ 20,000 से 25,000 रुपये अगर आप टाइम पे बुक कर लोगे, होटल वोटल स्टे सब मिला के 45,000 से 50,000। लेकिन ये ले रहे हैं 1,00,000 रुपये। अब 50,000 कहाँ जा रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट। मुझे ये जानना है कि ये लड़कों को कह रहे हैं आप प्लेइंग फॉर इंडिया, आप इंडिया की आप जर्सी दे रहे हो उन्हें, ये तो मैं भी नेपाल जाके कल को एक कॉम्पिटिशन करा लूँगा, काठमांडू जाके कॉम्पिटिशन करा लूँगा, बैंकॉक जाके कॉम्पिटिशन करा लूँगा, और सबको बोलूँगा श्रीलंका में जाके पाकिस्तान आओ भाई कॉम्पिटिशन खेलो। तो क्या वो नेशनल कॉम्पिटिशन हो जाएगा? नहीं, ये नेशनल कॉम्पिटिशन नहीं है, ना ही आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, ये एक प्राइवेट कंपटीशन है। लेकिन लड़कों को बेचारों को ये होप बन जाती है कि हमें यहाँ से एक मेडल मिलेगा जिससे हमें जॉब मिल जाएगी। आप मुझे बताइए कहाँ जॉब्स मिल रही हैं इनको? मुझे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं IBBF से, अपना रिन्यूअल लेटर दिखा दो जो आपको सरकार से मिला है कि आप अफिलिएटेड हो। लड़के, मैं जानना चाहता हूँ ये जो आप मेडल दे रहे हो, या आप मिस्टर वर्ल्ड साउथ ईस्ट एशिया मिस्टर इंडिया के, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे क्या होगा? सिर्फ घर के लिविंग रूम में टांग दिए जाएंगे, क्योंकि प्राइज मनी तो है नहीं यहाँ पे। अगर वो नेशनल सर्टिफिकेशन भी नहीं है अगर आपके पास, तो ये मेडल किस काम के यार? आप उनसे 50,000, 50,000, 1,00,000 रुपये लिए जा रहे हो, प्लस उनकी तैयारी का खर्चा अलग से, क्यों? क्यों? मैं चाहता हूँ आप मुझे गलत साबित करो, मैं चाहता हूँ IBBF मुझे गलत साबित करे, मैं चाहता हूँ IBBF मुझे बताए कि ये देखो हमारे पास इंडिया की सर्टिफिकेशन है, ये देखो हमारे पास इंडिया की अफिलिएशन। कुछ भी नहीं हो रहा, और लड़के उनके छोड़ के चले गए हैं सोच के। आप क्यों एथलीट की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो यार? क्या मिल रहा है आपको? बस कुछ चंद पैसों के लिए। और मैं एथलीट से भी रिक्वेस्ट करूँगा यार, जो भी आप कंपटीशन खेलते हो उनके बारे में जानिए, पढ़िए, तभी करिए यार। नहीं तो यार ये आपकी किडनीज का सवाल है, आपके ऑर्गन्स का सवाल है। इतनी मेहनत करके, इतने लड़के मेहनत करके अभी मालदीव्स गए हैं, कितनी मेहनत करके, कितने होप्स उन्होंने वो मेडल जीते होंगे, और कितनी मेहनत करके वो मेडल जीते हैं, और पता लगता है उन मेडल की कोई कीमत ही नहीं है। सैड।